हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बच्चों, कल हमने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की जो पिछली क्लास में हमने किया था, आज चलिए उसके बाद में अब हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने प्रोजेक्शन के बारे में जाना था कि क्या क्या प्रोजेक्शन क्या होता है। ठीक है, फिर उसमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में हमने जाना था, और हमने एक चीज़ जानी थी कि किस तरीके से चार क्वाड्रेंट होते हैं। चार क्वाड्रेंट में, जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है बेटा, तो इन क्वाड्रेंट में हमने देखा था कि किस तरीके से हम हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, कोई भी फिगर है, हम अगर प्लेन में बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, तो हमने इसके बारे में बात की थी। हमने ये भी देखा था कि मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप जो है एग्ज़ाम में अगर फिगर बनाने को आता है, तो फिगर आपका या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, ठीक है, या वो बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, और उसको किस तरीके से आप जब प्लेन पे बनाते हैं, तो मैंने एक चीज़ और आपको बताई थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। जो आपका वर्टिकल प्लेन है, उस पर जो फिगर बनेगा, ठीक है, उस पर जो प्रोजेक्शन होगा, दैट इज़ कॉल्ड द एलिवेशन। और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आपका क्या होगा, टॉप व्यू, और इसको हम प्लान कहते हैं। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी जो आप देखेंगे कि जो भी हम प्लेन, इस वर्टिकल प्लेन पे जो भी हमारा रहेगा, ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रहेगा, उसके बाद में जब हम उसको एक ही प्लेन में बनाते हैं, अपना इंजीनियरिंग ड्राइंग में जब हम फिगर बना रहे हैं, तो उस पर क्या करेंगे, उसको हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। तो इस फिगर में आप देखेंगे कि इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, ठीक, तो क्या होगा, हमारा वर्टिकल प्लेन में जो फिगर रहेगा उसके जस्ट बिल्कुल नीचे जो आपका टॉप व्यू आ जाएगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है वो आपका बिल्कुल नीचे चला जाएगा। तो इसमें यहाँ पर आपका फ्रंट व्यू रहेगा और यहाँ पर रहेगा इसका टॉप व्यू। ओके, उसी तरीके से अगर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाते हैं, थर्ड एंगल में अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हम बनाते हैं, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन लेते हैं, तो इसमें क्या होगा, आपका जो टॉप व्यू है वो इस पर आएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, और फ्रंट व्यू जो आएगा वो इस पर आएगा। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करेंगे, इसको रोटेट कर देंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो टॉप व्यू है दैट विल बी हियर, एंड फ्रंट व्यू जो है वो आपका इधर हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, इसके बिल्कुल उल्टा हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया दोनों। मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि आपको इसमें क्या होता है ना, कि हम लोग फर्स्ट सॉरी सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में कभी भी प्रोजेक्शन नहीं लेते हैं। उसका रीज़न क्या होता है कि जब आप इसको रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज में, तो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन जो है वो सेम ही कोइंसाइड कर जाएगा एक तरीके से। ठीक है, तो उनको पहचानने में यू नो इट विल बी डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो बिल्कुल सिमिलर है, जैसे कि उसमें एक तरीके से यहाँ पर एक एग्जांपल दिखा दिया आपको कि ये बॉक्स दिया हुआ है, इसका फ्रंट व्यू लिया है, देन इसका टॉप व्यू लिया है। ठीक है, उस तरीके से फिर कैसे बनाया है आपने, जब आप फ्रंट में देखेंगे तो ये फिगर बन के आया है, ठीक है, ये टॉप व्यू बन के आया है, इसको रोटेट किया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये आपका, ठीक है, दोनों व्यूज़ हो गए। ओके, ये फ्रंट व्यू रह गया और ये टॉप व्यू। उसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में ये इस तरीके से दिया हुआ है, टॉप व्यू इधर आ जाएगा और फ्रंट व्यू नीचे आ जाएगा। ओके, उसके बाद में अब आपको देखिए फिगर्स दी हुई हैं। अब जैसे आपको मान लीजिए, क्योंकि हम अब ये समझ गए हैं कि जो हमारा फर्स्ट एंगल है, ठीक है, फर्स्ट एंगल में वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन इस तरीके से रहता है, ठीक है, थर्ड एंगल में हॉरिजॉन्टल प्लेन और फिर वर्टिकल प्लेन होता है, ये तो क्लियर है हमें। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे आगे। आपकी ये देखिए फिगर दी हुई है, ठीक है, ये हमें एक क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, ये एक क्यूब दिया हुआ है, और क्यूब का हमें क्या करना है, इनके तीनों व्यू बनाने हैं। ठीक है, अब अगर आपको कोई भी व्यू क्वेश्चन में अगर नहीं दिया जाता है कि आप इसको किस एंगल में बनाएंगे, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना है या थर्ड क्वाड्रेंट में बनाना है, तो आप उसको एक तरीके से फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान के चलेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि BIS के अकॉर्डिंग, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग में क्या है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ही
बनाने को दिया जाता है। अपने कंट्री में क्या है, जो भी फिगर बनते हैं डेट डेट विल बी इन फर्स्ट एंगल क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, तो देखिए अब इसमें क्या करना है आपको, देखिए हमें जो है कि ये एरो दिया हुआ है, दैट मीन्स जो हमारा फ्रंट व्यू रहेगा वो इस साइड से रहेगा, ठीक है। आप इधर से देखेंगे फ्रंट व्यू, ठीक है बेटा। तो अब देखिए फ्रंट व्यू आपने क्या किया, सबसे पहले क्या करना है आपको, एक एक्स वाई एक्सेस लेना है, ठीक है, एक्स वाई एक्सेस एक लेंगे, ठीक है, उससे 10 mm या 20 mm का आप ऊपर डिस्टेंस छोड़ेंगे। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, वॉट यू हैव टू डू, फर्स्ट आपको क्या करना है, ये आप एक्स वाई एक्सिस एक मार्क कर लेंगे, ठीक है, एक्स एंड वाई ये एक्सिस मार्क कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे आप, यहाँ से क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस ये वाला, ठीक है, ये आप 10 mm या फिर 20 mm जो आपको देखें है ना, कुछ भी ले सकते हैं। 10 mm का आप बीच में डिस्टेंस छोड़ेंगे, इसमें 20 mm छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि कहने का मतलब ये है कि इसमें थोड़ा सा गैप रहना चाहिए। ओके, आप ये काम कर देंगे, देन आपको क्या करना है कि अब आप देखेंगे फ्रंट, यहाँ से आप फ्रंट देख रहे हैं, तो फ्रंट से आपको क्या दिख रहा है, ए बी सी डी, ठीक है, ए हमारा बेस है, तो एक्स वाई पे आप यहाँ से लेके और एक बेस बनाएंगे ए बी, ओके, देन सी बी सी में दिया हुआ है कितना है, दैट विल बी 40, ठीक है, ए डी 40, और ये इस तरीके से आपको फ्रंट व्यू मिल जाएगा, ठीक है, ये आपने फ्रंट व्यू बना दिया, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पर फिर से 10 mm या 20 mm जो भी है, इसको 20 लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है। आपको एक चीज़ मार्क रखनी है, मतलब एक तरीके से 10 रख लीजिए या फिर 20 रख लीजिए, वॉट एवर यू फील लाइक, ओके। चलिए तो इसमें क्या करना है, अब आपको यहाँ से फिर थोड़ा सा डिस्टेंस यहाँ छोड़ कर, अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि साइड व्यू, ठीक है, साइड व्यू क्या आएगा, है ना। तो अब हम देख रहे हैं, अब इस प्लेन में साइड व्यू कैसे रहेगा बेटा, देखिए आप बेस देखिए, बेस आपने ए एच लिया, ओके, बेस आपने ए एच ले लिया, सो ये हमारा एच ए बेस हो गया, ठीक है। यहाँ से हमें एक लाइन ये दिख रही है, ठीक है, ये ए डी हो गया, ठीक, उसके पैरेलल में आपको लेते हुए चलना है, और यहाँ पर एच ई, ओके, एच ई और ई डी, तो क्योंकि ये क्यूब है तो आपको सारे जो व्यूज़ हैं वो एक ही जैसे दिखाई देंगे, आप चाहे फ्रंट व्यू देख रहे हो तो भी आपको स्क्वायर दिखाई देने वाला है, ठीक है, आप साइड व्यू देखेंगे तो भी आपको स्क्वायर देने वाला है, ठीक है। ये आपको लेने के बाद अब एक, ठीक है, अब हमने क्या है कि हमने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जब हम बना रहे हैं तो हमारा वर्टिकल प्लेन तो ये हो गया, ठीक है, और उसके नीचे क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन यहाँ रहेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब एक तरीके से टॉप व्यू, ठीक है, तो टॉप व्यू आपका इधर रहेगा, तो ये रहेगा टॉप व्यू। तो टॉप व्यू अगर आप देखेंगे तो टॉप व्यू क्या लग रहा है आपको, यहाँ पर क्या लग रहा है, सी डी ई एफ, ये आपका टॉप व्यू है, तो आपने यहाँ पर ई एफ लिया, गॉट इट, और इसको उसी सेक्शन में स्क्वायर आपका यहाँ बन गया, ठीक है। यहाँ मैंने आपको बताया था 10 mm का स्पेस छोड़ने के बाद में ई एफ सी डी, ये आपका ऊपर से टॉप व्यू हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका हो गया स्क्वायर का, बिल्कुल इसी तरीके से, बिल्कुल जैसे आपका ये बना है, ठीक है ना, जिस तरीके से आपका ये बना हुआ है उसी तरीके से बिल्कुल आपको एक और साइड में दिया हुआ है, ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म या क्यूबॉइडल बोलिए इसको, ठीक है, आप इसको या तो रेक्टेंगुलर प्रिज्म बोलिए, और यू कैन से इट क्यूबॉइड फिगर, क्यूबॉइडल फिगर, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको ये बनाना होगा, सेम है, बस डिफरेंस आपका देखिए बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा, डिफरेंस बस इतना है कि ऊपर जो आपको टॉप व्यू देखेंगे तो यहाँ पर आपको रेक्टेंगल दिखेगा, ठीक है, फ्रंट व्यू देखेंगे तो आपको ये 30x40 का रेक्टेंगल दिखने वाला है, ठीक है, साइड व्यू अगर आप लेंगे तो साइड व्यू आपको क्या दिखने वाला है, साइड व्यू आपको ये 20x40 का रेक्टेंगल दिखने वाला है। तो उसी तरीके से आप इसको भी बनाएंगे, ठीक है,
आप इसको देखिए, उसी हिसाब से आपको ये भी रखना है, सेम टू सेम है बिल्कुल, कोई डिस्टेंस नहीं रहने वाला। एक्स वाई एक्सिस लेना है, एक्स वाई एक्सिस से आपको बेस पे ले लेना है, ठीक है। बेस लेकर चलेंगे, बेस पे आपने ये ले लिया, फ्रंट व्यू आप इधर से देख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे इसमें दिया भी हुआ है। इस फिगर में अगर आप देखेंगे तो फ्रंट व्यू दिया हुआ है, टॉप व्यू दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू दिया हुआ है, आपको सब कुछ गिवन है, आपको बस उसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना है, ठीक है। उसका प्रोजेक्शन केवल बनाना, आइसोमेट्रिक व्यू आपको दिया हुआ है। इसमें देखेंगे बेटा तो ये आपको दिया हुआ है, ये जो फिगर है आपका दैट इज हेक्सागोनल प्रिज्म, ये आपको हेक्सागोनल प्रिज्म दिया हुआ है, इसके आपको तीनों व्यूज लेके चलने हैं, ठीक है। बिल्कुल सेम उसी तरीके से आप इसको भी मेंटेन करें, मतलब इसको भी बनाकर चलेंगे, ठीक है। ये सब आप एक बार देखेंगे समझेंगे तो आपको जो है व्यूज़ बनाना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। इसको आप देखेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीका है इसका, ठीक है। इसमें भी उसी तरीके से आपको फ्रंट व्यू दिया हुआ है, आपको टॉप व्यू दिया है और लेफ्ट हैंड साइड व्यू दिया हुआ है कि आपको किधर से फ्रंट व्यू और लेफ्ट हैंड साइड व्यू लेना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक एक्स वाई एक्सिस जैसा कि हम हर बार कर रहे हैं, एक्स वाई एक्सिस ले लेंगे, 10 mm का डिस्टेंस छोड़ेंगे ऊपर नीचे, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ से क्या दिख रहा है, इस साइड से हमें ये वाली लाइन दिखाई देगी अगर हम फ्रंट से देखेंगे, ठीक है। हमें ये जो क्रॉस है इस तरीके से दिखाई नहीं देगा, आप सामने से अगर देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, तीन लाइन ऐसे तरीके से दिखाई देने वाली हैं, ठीक है। आप किसी चीज़ को देखिए इधर, अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो आपको केवल और केवल ये ऊपर की लाइन दिखाई देगी इस तरीके से, ये उसके नीचे की ऐसे दिखाई देगी और उसके नीचे की ये ऐसे दिखाई देगी, तो आपको केवल इस तरीके से ये दिखाई देगा। सो दैट इज़ गिवन हियर, यहाँ पर आपको इसी तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम डिस्टेंस की बात करें, इनका बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 10 mm आपको दे दिया, 10 ये दे दिया, तो आप उसी तरीके से इक्वल डिस्टेंस मार्क करके इसको बना देंगे, ठीक है। उसके बाद साइड व्यू की बात हो रही है, साइड व्यू दिया हुआ है तो साइड में आपको ये पूरा फेस दिखाई देगा, साइड में ये फेस दिखाई देगा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे लाइन इधर, एक लाइन इधर करेंगे, एक लाइन प्रोजेक्ट इधर करेंगे, और उसी तरीके से यहाँ पर डिस्टेंस मार्क करके आपने क्या किया कि 10 mm डिस्टेंस आ गया, 10 10 20 mm इधर कर दीजिए, और वहाँ से आप ये प्लेन बनाकर, और ये आपको साइड फेस दिखाई देने वाला है, ठीक है। तो ये आपको जो साइड व्यू दिख रहा है वो इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। अब टॉप व्यू की बात करते हैं, तो टॉप व्यू पे आपको क्या रहेगा बेटा, टॉप व्यू पे अगर आप देखेंगे तो आपको टॉप से एक तो ये दिखाने देने वाला है, ठीक है। ऊपर से जो व्यू आपका आएगा वो आपको एक तो ये दिखाई देने वाला है, एक ये रहेगा आपको व्यू दिखेगा, एक ये रहेगा, ठीक है। और तीसरा जो है वो आपको ये साइड से निकला हुआ ये वाला, जैसे ये है उसी तरीके से ये भी दिया हुआ है, तो एक आपको पीछे और ऐसे दिखाई देगी, तो आपको टॉप व्यू क्या है वो ये ऐसे दिखाई देगा, ओके। यानी कि फोर पैरेलल लाइंस आपको दिखाई देने वाली हैं, ये आपका टॉप व्यू रहेगा। ये आपका क्या है बेटा, ये है रेगुलर हेक्सागोनल पिरामिड, ओके। ये क्या है, रेगुलर हेक्सागोनल पिरामिड। देखो बेटा, आपको क्या है कि अगर आप इस फिगर को फ्रंट से देखेंगे तो फ्रंट से आपको मालूम है कि ये आपको एक सामने व्यू दिखाई देगा, देखो यहाँ फ्रंट व्यू, ये सामने से ये और ये, ठीक है ठीक है। ये आपका क्या रहेगा, फ्रंट व्यू रहेगा, सो दिस इज द फ्रंट व्यू। देन साइड व्यू, ओके। साइड व्यू क्या है, साइड अगर आप देखेंगे तो साइड में आपको ये एक केवल ये है ना, ये है ना, तो साइड से आप क्या देखेंगे, तो साइड को आपको केवल एक तीन लाइन दिखाई देने वाली है, एक दो और ये पीछे जो गई तीन, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ट्रायंगल बनेगा और बीच में एक एल्टीट्यूड, ठीक है। एल्टीट्यूड यानी कि ये परपेंडिकुलर लाइन बीचों बीच में आपको दिखाई देगी, तो ये हो गया साइड व्यू और ये हो गया फ्रंट व्यू। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आपका टॉप व्यू जो है वो दैट विल बी बिलो दी फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू के नीचे जो है वो आपका टॉप व्यू आएगा। अगर आप टॉप से देखेंगे तो आपको इस टाइप की ये फिगर जो है वो दिखाई देगी, ओके।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों व्यू जो है वो समझ में आए होंगे, ठीक है? कि मतलब किस तरीके से आपको फ्रंट व्यू देखना है, किस तरीके से टॉप व्यू देखना है और किस तरीके से हमें साइड व्यू देखना है। आफ्टर दैट आपको क्या करना है कि देखिए, एक आपको ये ब्लॉक दिया हुआ है और इस ब्लॉक के आपको सरफेसेस जो हैं, जो सरफेस दिए हुए हैं, ये आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है? ये आइसोमेट्रिक व्यू है, ठीक है बेटा? ये आइसोमेट्रिक व्यू है, एक ब्लॉक दिया हुआ है, इसका आइसोमेट्रिक व्यू दिया हुआ है और इसके करस्पॉन्डिंग मल्टी व्यूज़ दिए हुए हैं, यानी कि साइड व्यू दिया है, फ्रंट व्यू दिया है और टॉप व्यू दिया है। आपको क्या करना है, आपको सिंपली इसके जो आइसोमेट्रिक इस व्यू को आप स्टडी करिए और यहाँ एक जो बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है, इस बॉक्स में आपको ये मेंशन करना है कि क्या क्या चीज़ दी गई, फ्रंट, साइड और प्लान, ठीक है? प्लान का मतलब क्या हो गया, टॉप व्यू। ये तीनों चीज़ें आपको दी हुई हैं, तो आपको इसमें से फिगर से मेंटेन, जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ कि ये ए है, ठीक है, ए, ठीक। तो फ्रंट व्यू में, यानी कि फ्रंट व्यू में जो ए आपको गिवन है, ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है, ये मार्क किया हुआ है 5 से, जो आपको यहाँ पे बॉक्स में नोट करना है। आप इसको स्टडी करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग मल्टी व्यूज जो हैं उनको आराम से आप उसमें क्या करेंगे, नोट करेंगे बॉक्स में, ठीक है? जैसे आप, और एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि आप इस चीज़ को जब ऑब्जर्व करेंगे तो आपको लगेगा कि एक व्यू में जो सरफेस है, ठीक है, वो बाकी दो व्यूज़ में लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है? एक व्यू में जो सरफेस रहेगा वो बाकी के दो व्यूज़ में लाइन से रिप्रेजेंट होगा। जैसे अगर हम ए की बात करते हैं, ठीक है, ए जो है वो टॉप व्यू में आपको पूरा एक सरफेस दिखाई देगा, ए जो है टॉप व्यू में पूरा सरफेस दिखाई देगा, जो कि इसमें 10 10 से मार्क किया हुआ है, तो हमने यहाँ क्या किया, 10 मार्क कर दिया, ठीक है? अगर हम इसी व्यू को फ्रंट से देखते हैं तो हमें ए व्यू नहीं दिखाई देगा, हमें क्या दिखाई देगी, यहाँ पर ए की जगह लाइन दिखाई देगी, और जो हमें लाइन मार्क कर दी, किससे की गई है, 5 से मार्क कर दी गई है। उसी तरीके से अगर हम साइड से देखते हैं, ठीक है, अगर इस साइड से देखते हैं तो ये ए जो है हमें किस लाइन से दिखाई देगा, हमें ये भी लाइन से दिखाई देगा, और वो लाइन कैसी मेंशन की गई है, वो मार्क की गई है 6 से, तो ये हमने 6 नोट कर दिया। इसी तरीके से आपको सारे व्यूज़ देखने हैं, ठीक है, और इसमें फिर आप इस बॉक्स में नोट करेंगे, ठीक है? मुझे ये आप कमेंट में बताइए कि किस क्या क्या कौन कौन से व्यूज़ हैं जो कि किस नंबर से मार्क किया गया है, ठीक है, किस फेस को किस नंबर से मार्क किया है और किस अल्फ़ाबेट्स को मार्क किया हुआ है। तो इसको ट्राई करिए, आप इसको ट्राई करेंगे, उसके बाद में आप एक अगला क्वेश्चन और देखेंगे, ठीक है? उसके बाद आप इस क्वेश्चन को भी देखेंगे, इसमें भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से मार्क किया हुआ है, ठीक है, इसमें भी उसी तरीके से फेस दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, जैसे बी को देखिए आप, ये जो व्यू है, ठीक है, बी अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो आपको एक पूरा पूरा क्या होगा, फेस दिखाई देगा। अगर आप फ्रंट व्यू में देख रहे हैं, ठीक है, तो बी आपको क्या दिख रहा है, 7 से रिप्रेजेंट कर दिया फ्रंट में, ठीक है, फ्रंट में बी 7 से रिप्रेजेंट किया। अगर आप बी को ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, टॉप व्यू अगर रख लेंगे तो टॉप में क्या हो रहा है, ये 8 से मार्क हो रहा है, यहाँ पर 8 से मार्क हो गया, ठीक है? ये दोनों व्यूज़ में आपको, क्योंकि स्लेंट दिया हुआ है तो दोनों में फेसेस दिखाई देंगे आपको, स्लेंट है तो आपको फेसेस दिखाई दे रहे हैं। अगर हम साइड व्यू में लेते हैं तो साइड से आपको यहाँ से अगर देखेंगे तो ये केवल एक लाइन दिखाई देगी आपको, ठीक है? तो साइड व्यू में ये केवल लाइन दिखाई दे रही है, दैट इज़ मार्क्ड बाई 19। इसी तरीके से आप इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है? ये दोनों चीज़ें सॉल्व करिए, देन वी विल मूव टुवर्ड्स अवर क्वेश्चन एंड अदर टॉपिक रिगार्डिंग दी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बाकी और चीज़ें देखेंगे हम, ओके? सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।